मोदी ने गुरुवार को उत्तराखंड की पहली और देश की 18वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड का विकास भारत के विकास में भी मदद करेगा। देश अब रुकने वाला नहीं है, वे वंदे भारत की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और बढ़ता जाएगा। देहरादून से दिल्ली तक जाने वाली ये ट्रेन इस साल लॉन्च हुई 5वीं वंदे भारत ट्रेन है और इसके साथ ही उत्तराखंड रेलवे का 100% विद्युतीकरण भी पूरा हो चुका है। आपको बता दें कि ट्रेन के उद्घाटन से पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्रेन में सवार छात्रों से बातचीत की। अधिकारियों ने बताया कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। 8 कोच वाली ट्रेन बुधवार छोड़कर बाकी 6 दिन चलेगी। दिल्ली से देहरादून की दूरी 292 किलोमीटर है, जिसे ये 4.5 घंटे में तय करेगी। गाड़ी की औसत स्पीड 65 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। दिल्ली और देहरादून के बीच चलने वाली ये ट्रेन देश की राजधानी को देवभूमि से और तेज गति से जोड़ेगी। वंदे भारत से दिल्ली देहरादून के बीच रेल सफर में अब समय भी काफी कम हो जाएगा। इस ट्रेन की गति तो अपनी जगह है ही, जो सुविधाएं हैं वो भी सफर को आनंददायक बनाने वाली है। साथियों, मैं अभी कुछ घंटे पहले ही 3 देशों की यात्रा करके लौटा हूं। आज पूरा विश्व भारत को बहुत उम्मीद